थोड़ी सी सरसों तेल, प्याज, टमाटर और मिर्च को बीच से काट लीजिएगा और थोड़ा सी करी पत्ता। तेल गर्म हो चुका है, अभी मिर्ची को डालेंगे और थोड़ी सी प्याज। और इसे अच्छे से भून लेंगे। और अभी थोड़ा प्याज भून लेने के बाद में जिंजर गार्लिक जो क्रश किया था उसे हम डालेंगे थोड़ा, और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। और ये अच्छे से भून लेने के बाद में हम डालेंगे मसाला को, और ये धनिया मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मीट मसाला। मीट मसाला जरूर से डालिएगा क्योंकि उस पर फ्लेवर के लिए ना वो ज़रूरी है जो हम बना रहे हैं उसके लिए। थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसे भी थोड़े अच्छे से भूनने के बाद में हम डालेंगे टमाटर को, थोड़े से हल्दी, टमाटर को डालेंगे। और मसाले को जो है भूनिएगा अच्छे से, लेकिन उसे जलने मत दीजिएगा, अगर जलने से वो कड़वापन का जो टेक्सचर आएगा उसे कड़वा होने मत दीजिएगा। और ये टमाटर को भी थोड़ा देर तक भून लीजिएगा। हाँ, तो ये हमने भून लिया है टमाटर को भी। और अभी ये आलू की बारी, इसे हमने बॉईल कर लिया है पहले ही, तो उसका हम वीडियो नहीं बना पाए। इसे बॉईल कर लीजिएगा, बॉईल करके इसे इस तरीके से काट के बस ये मसाले पे आप जो कि अभी हमने मसाले बनाए हैं उसको हम उसे भूनेंगे। क्या आलू बन जाना, शकरखंड है, ये है जंगल का आलू जो कि आप लोग तो ये जो पेड़ के वहाँ पे लगा रहता है और ये आप लोग शकरखंडी कहते हैं इसे। हमारे इधर में आसाम में तो इसे काट आलू कहा जाता है। ये थोड़े नमक डालने के बाद में इसे लगभग 10 मिनट तक अच्छे धीमी आंच पे पका लीजिएगा। बस उसकी जो टेक्सचर है, उसका जो ग्रेवी है, उसको मतलब उसका जो मसाला है वो उसे ऑब्जर्व करने तक इसे थोड़ा अच्छे से ढक के रख दीजिएगा। तो ये है सिंपल सा रेसिपी आपके लिए। तो आपको कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और भी वीडियो के लिए लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये धनिया जो बगान से हम अभी तोड़ के लेके आए हैं, अभी ये पक चुका है।